कृषि में कई सालों से आ रहे हैं जी। और हमने जैसे पूरे 25 साल के करियर में देखा है कि पूल का रिक्वायरमेंट बढ़ता जा रहा है। बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन समस्या क्या रहती है कि आपके पास छत है लेकिन वो डिजाइन नहीं है पूल के हिसाब से, तो कैसे रखें पूल, क्योंकि आप फुल फ्लेज पूल नहीं रख सकते। बिल्कुल। तो उसके लिए हमने कुछ मॉडल्स बनाए हैं जिनको बोलते हैं प्लंज पूल। ठीक है। ये स्विमिंग पूल ना हो के प्लंज पूल है, शैलो पूल है कि जो आपको बैठ के आप। सो हेलो दोस्तों, एक और नई वीडियो में फिर से स्वागत है। आईजी एग्जीबिशन में आए हुए हैं और लेके पहुंचे आरती पूल के पास। जैसे कि आप लोगों ने बहुत सारी वीडियोस इनकी देखी होंगी इस चैनल पे भी, काफी रिलेटेबल वीडियो होने वाली है आपके लिए। और कोई प्री फैब्रिकेट पूल से लेकर बिजनेस करना चाह रहे हैं तो सर के पास आ सकता है, और डीलर डिस्ट्रीब्यूटर के भी सर के पास ऑप्शन काफी सारे हैं जो पूरे पैन इंडिया ले सकते हैं। तो चलिए बात कर लेते हैं सर से। तो हाय सर। हेलो जी, कैसे हैं? ऑल गुड। तो सर प्लीज पूल के बारे में बताइए एक बार, जो नई ऑडियंस देख रही है उसको कुछ बताइए। तो ये हम आईईसी में कई सालों से आ रहे हैं जी। और हमने जैसे पूरे 25 साल के करियर में देखा है कि पूल का रिक्वायरमेंट बढ़ता जा रहा है। बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन समस्या क्या रहती है कि आपके पास छत है लेकिन वो डिजाइन नहीं है पूल के हिसाब से, तो कैसे रखें पूल, क्योंकि आप फुल फ्लेज पूल नहीं रख सकते। बिल्कुल। तो उसके लिए हमने कुछ मॉडल्स बनाए हैं जिनको बोलते हैं प्लंज पूल। ठीक है। ये स्विमिंग पूल ना हो के प्लंज पूल है, शैलो पूल है कि जो आपको बैठ के आप बैठ सकते हैं, एंजॉय कर सकते हैं। इसी में हमने बहुत सारी चीजें लगाई हैं, वो मैं आपको दिखाता हूँ। ठीक है ठीक है। सो दोस्तों चलिए, यहाँ पर ना काफी सारी चीजें जो है सर के पास यहाँ पर हम देखने वाले हैं, आपको पूरे वीडियो में सारी इन्फॉर्मेशन मिलेगी। तो सर प्लीज, जो लोग पूल से रिलेटेड वीडियोस देखते हैं तो उनकी क्वेरीज बहुत सारी रहती है, सारी क्लियर कर दो आज। हाँ, तो मैं आपको, आइए मैं दिखाता हूँ आपको। ये जो हमने पूल रखा हुआ है यहाँ पे, इसका साइज 8 फुट बाई 9 फुट है और गहराई इसकी 2.5 फुट है। अब ये एक सिंगल पीस पूल है तो इसका जो फायदा है, एक तो लाइट वेट है, तो अगर आपको कहीं छत पे पूल लगाना है तो ये सबसे बेस्ट है। इसके लिए आपको ना तो कोई डिजाइन स्ट्रक्चर देखना है, ना आपको इसमें कोई एक्स्ट्रा सपोर्ट देनी है। इसका वेट जो है लगभग 35-40 kg पर स्क्वायर फीट होगा। तो ये किसी भी छत पे, चाहे वो डिजाइन करी हुई हो या ना करी हुई, इस तरह के पूल आप रख सकते हैं। इवन हम कई बिल्डर्स हैं हमारे जिनको बालकनी में भी पूल रखे हैं, तो वो भी हमारे पास इससे छोटे साइज भी है, इससे बड़े साइज भी है। तो ये आप शैलो पूल अपने घर के लिए इजीली इस्तेमाल कर सकते हैं, और ऐसा नहीं है कि अबो ग्राउंड रख सकते हैं, इसको बिलो ग्राउंड भी डाल सकते हैं। ठीक है। ये पोर्टेबल होता है बेसिकली क्या? हाँ, ये उठाओ और आपको डाल दो। इट्स नॉट दैट पोर्टेबल, बट रेडीमेड होता है कि बना फैक्ट्री में, आपको उठा के आपके यहाँ रख दिया। इसके अंदर मैंने कुछ चीज़ें एड ऑन की हैं जो आपके घर के पूल के लिए बहुत अच्छी रहती हैं, जैसे आपके जकूजी सिस्टम्स लगा दिए हैं तो आपको ये बाथ टब की जरूरत नहीं है। ओके। फिर इसके अंदर इनबिल्ट फिल्ट्रेशन सिस्टम है जो कि एक ही पानी को 1.5 साल तक साफ रखता है। छोटे मोटे हमने इसमें फाउंटेन्स डाल दिए हैं, जैसे मिनी डॉल्फिन छोटी सी फाउंटेन है जो आपके पानी को इरेट करती है, तो पानी में फ्रेशनेस रहती है। उसके अलावा इसमें हमने एक और चीज़ दी है, एक आप ये अंदर डिज़ाइन देख रहे हो टाइल जैसा, ये एक इंटरनल डिज़ाइन है। इसमें हमारे पास 8-10 डिज़ाइन है जो मैं आपको दिखाता हूँ। जैसे आप अगर सेम चीज़ ब्लैक ग्रेनाइट में चाहते हैं ले सकते हैं, वाइट टाइगर स्ट्रिप वाइट मार्बल में ले सकते हैं, उसके अलावा पेबल शेप में ले सकते हैं, उसके अलावा आपका जो नॉर्मल ग्लास मोज़ेक होता है वो ले सकते हैं, और या फिर ये क्यूबन मोज़ेक जो हमने ये पूल रखा हुआ पे, इस तरह से ले सकते हैं। मतलब इसमें डिजाइन बहुत सारे हैं इसमें। हाँ, काफ़ी सारे डिजाइन हैं। ये आप सॉलिड कलर में ले सकते हैं, ब्लू वाइट पिंक रेड वट एवर यू वॉन्ट। ठीक है। तो पर्टिकुलर इसका साइज हम देखें तो कितना, मतलब मैक्सिमम मिनिमम कर सकते हैं? देखो साइज तो इससे बड़ा है हमारे पास 11x13 का भी, और छोटे में हमारे पास 6x7 का भी है, 12x4 का भी है, 7x6 का भी है, 7x6 है, ये 8x9 फीट बाई 2.5 फीट। तो हमारे पास मल्टीपल साइजेस, मल्टीपल करीब 45 डिजाइन हैं जो अलग अलग तरह के हैं, जिसमें आप सेलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है। तो इसकी लाइफ की बात करें तो सर कितना? ये लाइफ लॉन्ग है, इसमें लाइफ की बात ही नहीं होती। 15 साल की तो हम वारंटी देते हैं, और दिस आर लाइफ लॉन्ग प्रोडक्ट एज गुड एज एनी फाइबर ग्लास पूल। द ओनली थिंग जो कस्टमर को ध्यान रखने के, भाई पूल कहाँ से ले रहे हो, उसकी वारंटी कितनी मिल रही है, कितनी पुरानी कंपनी है, क्या मटेरियल लगा रहा है। बिल्कुल। क्योंकि फाइबर ग्लास एक वेट टर्म है, तो आपको कोई कुछ भी दे सकता है, तो थोड़ा सा उस पर ध्यान दें और आपको अच्छा प्रोडक्ट मिलेगा। हमसे लें तो इट्स मोर देन वेलकम। तो जो आपका वाटर फिल्ट्रेशन सिस्टम आपने बताया, तो मिनिमम 1 से 1.5 साल आराम से चल सकता है? बिल्कुल बिल्कुल। हमारे जितने भी पूल हैं, जो भी फिल्ट्रेशन सिस्टम है, सब 2-3 साल तक पानी आराम से चला, मतलब पानी वेस्टेज बहुत कम, 0% वाटर वेस्टेज है। क्योंकि इसमें क्या है, हमने अल्ट्रा मॉडर्न फिल्ट्रेशन सिस्टम लगाया हुआ है जो कि इसमें इनबिल्ट है, आपको अलग से कोई रूम नहीं चाहिए। ये इसका फिल्ट्रेशन सिस्टम है, ये इसके अंदर फिल्टर बैग लगा हुआ है जो कि सारा कचरा इसके अंदर इकट्ठा कर लेता है, आपको निकालना होता है, वॉश करना होता है, दोबारा डालना होता है। ठीक है। तो दिस इज एज सिंपल एज दिस। और मेंटेनेंस मतलब कह सकते हैं बहुत कम हो, मेंटेनेंस बहुत कम हो जाती है, करीब 80% मेंटेनेंस कम है बाकी सिस्टम से, तो आपका जो खर्चा है रनिंग कॉस्ट वो बहुत कमती हो जाता है। ठीक है। तो और कुछ डिजाइन भी होते हैं सर इसमें? हाँ, इसमें बहुत सारे डिजाइन है हमारे पास में, जैसे आपको मैं दिखाऊँ
इसमें मेरे पास शैलो पूल के अंदर में बहुत सारे डिजाइन हैं, जैसे आप ये देखिए ये राउंड डिजाइन मिल जाएगा आपको, डी शेप का मिल जाएगा, देन यू गॉट ओवरफ्लो वाला, ये आपने देखा ही होगा पहले, या आपको ट्राइंगुलर मिल जाएगा, राउंड मिल जाएगा, इस शेप में मिल जाएगा। तो ये सारे हमारे स्पा हॉट टब है जो शैलो पूल की कैटेगरी में आते हैं, वो जैसे मैंने आपको बोला 7x5 का है, 12x4 है, 2.5 है, 12x11 है, ये वाला आपका रखा ही यहाँ पे जो 8x6 है, 10x9.6 है, 13x3 है। तो उसके अलावा और भी बहुत डिजाइन हैं जो इस कैटलॉग में नहीं है, जो उसको हम रेगुलर बेसिस पे बनाते रहते हैं। ये हम डिस्प्ले में भी यहाँ पे कुछ आपने दे रखा है। हाँ, ये स्विमिंग पूल्स हैं, अलग अलग तरह के रेडीमेड स्विमिंग पूल्स हैं, प्री फैब्रिकेटेड है, उनकी फिल्ट्रेशन सिस्टम है। तो ये मालदीव्स में हमने लगाया, ये आपका गोवा में है, ये बैंगलोर में एक्वेटिक थेरेपी है, ये लोनावला में है, ये आपका चंडीगढ़ में है, ये आपका नोएडा में है, ये आपका लुधियाना में है, मुंबई में है, पुणे में है, मतलब आप पूरे हिंदुस्तान में देख सकते हैं ना। हमारे 4-5 ऑफिसेज हैं जहाँ पे ये लाइव पूल आपको मिल जाएंगे, उसके अलावा कुछ डीलर्स भी हैं जहाँ से आपको ये प्रोडक्ट मिल सकता है। तो इसके कंस्ट्रक्शन के लिए कुछ ऐसा बना के रखना पड़ता है बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग? नहीं नहीं, कुछ ज्यादा नहीं, शैलो पूल के लिए कुछ नहीं करना पड़ता। अगर आपको फुल साइज पूल चाहिए, डेप वाला चाहिए, उसके लिए हम आपको पहले डिजाइन करना होता है कि भाई आपका कितना वेट लेगा। वो अप्रोक्सीमेटली 100 kg पर स्क्वायर फीट का होता है, ये आपका 40 kg पर स्क्वायर फीट का। तो अलग अलग पूल के जो साइजेस और वो होते हैं, आप हमारे कंसल्टेंट से कंसल्ट कर सकते हैं। और उसमें कईयों में स्टेज वगैरह भी लगा के रखते हैं में, वो हाँ, तो चढ़ने के लिए आप स्टेप्स लगा सकते हैं, उतरने के लिए इसमें ऑलरेडी सिटिंग है, इसमें कुछ पूल्स में हमारे स्टेप्स भी हैं। तो अलग अलग डिज़ाइन और अलग अलग पूल, अलग अलग फैसिलिटी, अलग अलग चॉइसेस के लिए होते हैं, इसी करके हम लोग 45 डिज़ाइन बनाए हैं। पर्टिकुलर कोई बच्चा खेल रहे हैं, बच्चे खेल रहे हैं, कुछ भी आपने टोटली सेफ है, पूल कवर करके रखो, जब इस्तेमाल करना है हटाओ, फिर से कवर करके रखो, ऐसे पर। तो सर कोई डीलर डिस्ट्रीब्यूटर नेटवर्क के लिए भी हमने रखा? हाँ, डीलर हमसे खरीदिए, आगे बेचिए, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। बी टू बी वी कैन कोऑर्डिनेट विद देम, यू कैन हैव ए स्मॉल शोरूम अलॉन्ग विद योर अदर एग्जिस्टिंग पूल, तो उसके साथ में हम आपको बेच सकते हैं। उसका कुछ टाइम एंड कंडीशन होते हैं, वो आप हमसे कनेक्ट कर सकते हैं rvpools.com पे। ठीक है, तो आप लोगों ने जो प्रोसेस सारा दिखाया हुआ है, तो उससे रिलेटेड अगर आपको कुछ भी मतलब पूरे पैन इंडिया में कोई डीलर डिस्ट्रीब्यूटर का पूरा आपने बताया, हम उनसे कनेक्ट कर सकते हैं, वी विल बी हैप्पी टू हेल्प देम। ठीक है, वी विल बी कीप देम। आप पूरे इंडिया में बल्कि बाहर भी लगा सकते हैं पूरा? हाँ, बाहर भी हमारे नेपाल में डीलर है, मालदीव में डीलर है, मलेशिया में डीलर है, तो हम अदर कंट्रीज में भी हम लोग डीलरशिप देते हैं। ये इन हाउस मैन्युफैक्चरिंग करता है सर सारा? ये सारा इन हाउस मैन्युफैक्चरिंग है, मोस्ट ऑफ द प्रोडक्ट आर इंडियन मेड, ताकि आपको कभी खराब हो जावे तो आपको दोबारा मिल जावे। हम 25 साल से इस लाइन में हैं, तो हमको आइडिया है कि ये रनिंग पूल में कुछ ना कुछ इश्यूज रहते हैं, तो बेटर है आप इंडियन प्रोडक्ट लें, रादर स्पेनिश, यूरोपियन, सो कॉल्ड चाइनीज ना लें। ठीक है, तो इसका जो मैन्युफैक्चरिंग आप जो करते हैं, मतलब वो क्वालिटी वाइज पूरा एक सारा R&D है, 15 साल हो गए ये वाले पूल बनाते हुए, तो इसमें कोई भी समस्या नहीं है और मेंटेनेंस बिल्कुल फ्री आपने बताई दिया। ठीक है, तो सर इससे रिलेटेड कुछ कांटेक्ट करना चाहे तो rdevpools.com हमारी वेबसाइट है, वहां पे आप मिल सकते हैं, नीचे आपका लिखा हुआ मिल जाएगा। सो थैंक यू सो मच फॉर दिस।